का जरिया बनती है, ठीक है। यानी जब इंसान दुनिया में कोई बुरा काम करता है, गौर से सुनिए, तो उसे उसका बदला दिया जाएगा। कांटे बोएंगे तो कांटे निकलेंगे। तो बीमारी जो है उस बुराई का, उस गुनाह का कफारा बनेगी, ठीक है। जैसे नेकी का बदला होता है, ऐसे गुनाह का बदला भी होता है। मैं यामल सुअन युज्जा बिही। अब ये जो बदला है ये किस तरह का होगा? जब ये आयत उतरी मैं यामल सुअन युज्जा बिही, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब तो अजाब से छुटने की कोई सूरत ही नहीं। इसका मतलब है कि हम सब अजाब में पकड़े जाएंगे। आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, अल्लाह तुझको बख्शे, क्या तुझे कोई बीमारी नहीं आती, तकलीफ नहीं आती, रंज नहीं आता, मुसीबत नहीं आती? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, ये तो आती है ये मुसीबतें। फरमाया, बस यही बदला है। यानी मोमिन के लिए दुनिया में जो भी तकलीफ, गम, अजियत, परेशानी, हम फिक्र, तफक्कुरात, कोई बीमारी आ जाती है, तो ये उसके बुरे आमाल का कफारा बन जाती है। इसी तरह हजरत आयशा से रिवायत है, मैंने इस हदीस का मतलब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आपने फरमाया, रंज और गम, यहाँ तक कि कोई चीज जो आदमी के हाथ में हो वो खो जाए और फिर उसको घबरा कर ढूंढे और मिल जाए उसको, तो ये सब बदला में शुमार होता है। ये सारे का सारा बदला शुमार होता है। यानी इन बदलों की वजह से आदमी गुनाहों से ऐसा पाक साफ हो जाता है जैसे सोना भट्टी से पाक होकर निकलता है। तो मोमिन को कोई भी तकलीफ, हत्ता के कांटा जो चुभता है, उसके बदले में भी उसके गुनाह जड़ते हैं। तो उस वक्त सब्र करना, हौसला करना, मुतमईन रहना कितना आसान हो जाता है जब इंसान को ये पता चलता है कि ये दुनिया में ही मेरे गुनाहों को झाड़ने का जरिया बन रही है ये तकलीफें, ये परेशानियां। तो फिर इंसान परेशानी को सुकून से झील लेता है, वरना तो इंसान समझता है कि मैं कैद में आ गया हूं। तो बीमारी जो है ये गुनाहों का कफारा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा हैं, कहती हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم ने फरमाया, ما من مصيبة تصيب المسلم, नहीं कोई मुसीबत जो किसी मुसलमान को पहुंचती है, इल्ला कफर अल्लाह बिहा अन्हु, मगर ये कि अल्लाह ताला उसके जरिए उससे कफारा कर देते हैं, यानी उसके गुनाहों का। हत्त शौकती युशाकुहा, यहां तक के एक कांटा भी जो उसके बदन में चुभे, उससे भी उसके गुनाह उतार दिए जाते हैं। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसब वला वसब वला हम वला हुज्न वला अज़न वला गम हत्ता शौकती युशाकुहा इल्ला कफर अल्लाहु बिहा मिन खताया। अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो दोनों ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसब, नहीं पहुंचता किसी मुसलमान को कोई दुख, वला वसबिन, और ना कोई तकलीफ, वला हम्मिन, और ना कोई फिक्र फाका, वला हुज़्निन, और ना कोई सदमा, वला अज़न, और ना कोई तकलीफ, वला हम्मिन, और ना कोई गम। हत्त शौकत युशाकुहा, यहाँ तक के कांटा जो उसको चुभता है, इल्ला कफर अल्लाह बिहा मिन खताया, मगर ये कि इनमें से हर बात की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाह उतार देता है। इतनी तसल्ली वाली हदीस, दिल को सुकून देने वाली हदीस। कितना खूबसूरत है हमारा ये दीन कि जिसने हमें हम रंज गम तकलीफ अजियत परेशानी उस वक्त भी मुतमईन रहना सिखा दिया, पुरसुकून कर दिया कि इस वक्त तुम्हारी सफाई हो रही है, तुम्हारी धुलाई हो रही है, तुम्हारी आगे की मुश्किलें आसान हो रही हैं। इब्न हिब्बान की एक रिवायत में आता है कि तकलीफ की वजह से अल्लाह ताला गुनाह मिटा देता है और दर्जात भी बुलंद करता है। यानी सिर्फ तकलीफ ही नहीं दूर होती, दर्जे भी बुलंद होते हैं। यानी रफ़े इकाब भी है, हुसूले सवाब भी है। तो इंसान को हर तकलीफ और गम
اللہ کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرتے ہوئے ثواب کے حصول کی نیت بھی کر لینی چاہیے کہ مجھے ثواب بھی ملے گا تو اور خوشی ہو جائے گی۔